हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके अपने डांस आइकन बूवी के चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो, आज भी मैं अकेला ही हूँ। हाँ, अकेला ही हूँ, ठीक है। सो आज मैं अकेला ही हूँ। इधर भावना दीदी को मिस कर रहा हूँ। भावना दीदी बहुत टाइम से, मतलब मैं क्या, सभी लोग मिस कर रहे हैं, पूरी आर्मी मिस कर रही है। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। काफ़ी कमेंट्स आते हैं, DM आते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, भावना दीदी कब आएगी, भावना दीदी कब आएगी। सो अगर भावना दीदी आप मेरा वीडियो देख रहे हो, इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियो, वैसे तो देख ही रहोगे आई एम श्योर। सो आ जाओ जल्दी से, एंड वीडियो को ओपन फिर से, मतलब फिर से वीडियोस बनाएंगे, एंजॉय करेंगे बहुत सारा, ठीक है। सो, आज मैं खुशी दी को भी मिस कर रहा हूँ। वैसे खुशी दी भी नहीं है, राहुल जाजी भी बिजी हैं, तो मैं आ गया हूँ। मेरी मतलब मैं अकेला बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था ना कि मैं अब ट्राई करूँगा एवरीडे वीडियो डालने का। तो मैं मेरी ड्यूटी निभा रहा हूँ, आप लोग भी अपनी ड्यूटी निभा लो। वीडियो को कर दो लाइक, चैनल पर नए हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलोवर नहीं बढ़ रहे यार, तो जल्दी से आ जाओ इंस्टाग्राम के ऊपर। एंड मैसेज लिंक मत सेंड किया करो, ओनली सॉरी करा तो करो, ऐसा नहीं है, लिंक सेंड करके, बट यार फॉलो भी कर दिया करो, फॉलो भी कर दिया करो। बहुत सारे लोग आते हैं, ओनली लिंक सेंड करते हैं और बोलते रहते हैं, मतलब इमोजीज भी भेजते हैं वो गुस्से वाले, एंग्री वाले। तो आप मेरी रिक्वेस्ट पूरे करोगे या नहीं करोगे, एक बात बता दो, लास्ट टाइम बताओ। नहीं करना हो तो मत करो, मैं अनसब्सक्राइब कर रही हूँ तुम्हारा चैनल, ऐसा तो प्लीज़ ऐसा कुछ मत करो यार। कीप लविंग मी, कीप लविंग मी प्लीज़, ठीक है। सो टुडे आई एम गोइंग टू रिएक्ट ऑन BTS लव योर सेल्फ। BTS लव योर, मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर सेंड किया था सुधा मेहता ने। यस, मुझे सुधा मेहता ने सेंड किया था इंस्टाग्राम के ऊपर, थैंक यू सो मच सुधा मेहता, आपने मुझे सेंड किया उसके लिए। एंड करते हैं वीडियो स्टार्ट। ये वाली स्टार्टिंग से प्यार है मुझे, किसी का भी स्टार्ट होता ना वाली वीडियो, किसी का तो नहीं, क्या BTS का स्टार्ट होता है। ओ जी, मीन सो क्यूट। When you see me, when you touch me, 후추가 우릴 위해 움직였어. 조금의 여긴함조차 없었어. 너와 내 행복은 예정됐던 걸. 'Cause you love me and I love you. 넌 내 푸른 곰. Wow, wow. 구원해준 나의 천사. Just let me love you. Just let me love. ये सॉन्ग तो सुन रखा है मैंने, ऑफिशियल MV फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। वाओ, कितना क्यूट लग रहा है यहाँ। चलिए गाइस, वीडियो का टाइटल था BTS लव योर सेल्फ, बट इसके अंदर मेरे को पूरे BTS के सारे मेंबर्स तो दिखाई नहीं दिए, ओनली जिमिन था, ऐसा क्यों? हर सेरेंडिपिटी कम बैक ट्रेलर, ये आई डोंट नो, मुझे तो सुधा मेहता ने सेंड किया था। बाय द वे, सॉन्ग के ऊपर आते हैं अपन,
आई लव हिज वॉइस अ लॉट। मैं बता नहीं सकता मुझे जीवन की वॉइस कितनी पसंद है, मैंने मेरे पुराने वीडियोस में भी बोला है, बहुत मतलब बहुत सेक्सी वॉइस लगती है मुझे इसकी, बहुत स्वीट एंड सिंपल। मतलब ऐसा होता है ना कि मतलब कुछ पर्सन लोग ऐसे होते हैं, कुछ सिंगर्स ऐसे होते हैं जिनकी वॉइस आप किसी भी सिचुएशन में सुनो, किसी भी सिचुएशन डजेंट मैटर, आप सैड हो आप हैप्पी हो किसी भी सिचुएशन में, तो आपका मतलब जैसे कि मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इफ़ यू आर सैड ठीक है, इफ़ यू आर सैड एंड आपने सॉन्ग सुना, अब एक जिमिन का सॉन्ग सुना था अभी, जिमिन का आई लव योर सेल्फ, मैंने जिमिन को देखा है, तो अगर आप जिमिन का लव योर सेल्फ ही सुन रहे हैं ना तो आप भूल जाओगे, आप उदास थे, अपसेट थे, क्यों थे, क्या रीज़न था, डजेंट मैटर, फिर आप बस उस सॉन्ग को फील करोगे। जिमिन के मैंने कुछ लाइव परफॉर्मेंस भी देखे थे, सीरियसली हिज वॉइस इज अमेजिंग, आई एम स्पीचलेस, क्योंकि बहुत वो जिमिन इज द बेस्ट, आई लव जिमिन अ लॉट। वो डांसर तो आपको पता है कैसा है जिमिन, आइडल्स का भी आइडल है ओ माई गॉड। तो फिर ज़्यादा कुछ बोलने की मुझे नीड है नहीं, क्योंकि आप लोग जानते हो मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते होंगे, क्योंकि मैंने अभी न्यू आर्मी ज्वाइन करी, मैं आपको पता है नवंबर से ही ज्वाइन करी है, सो मेरे पास में बहुत सारे आर्मी आते हैं जो 12-12, 8-10 साल से, मतलब 2012 से हैं आर्मीज में, तो उन लोगों लोग मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच गाइस, लव यू। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर आते हो, मुझे बहुत सारी बातें बताते हो, बहुत सारी चीज़ें बताते हो BTS के बारे में, K-pop के बारे में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं बता नहीं सकता कैसे, मतलब थैंक यू भी नहीं बोलना, आपको थैंक यू बोलूँगा तो एहसान हट जाता है, तो थैंक यू तो मैं बोलने वाला हूँ नहीं आप लोगों को, ठीक है। सो मेरा थैंक यू वापस ले रहा हूँ आप लोगों से, दे दो मुझे थैंक यू मेरा, ठीक है। सो कैसे मेरे को थैंक यू नहीं बोलना, ठीक है, हाँ थैंक यू नहीं बोला, सो उसके लिए क्या बोलूँ, समझ नहीं आ रहा, धन्यवाद धन्यवाद बोलूँ क्या, नहीं नहीं ठीक है। सो मैं मेरा धन्यवाद भी वापस ले रहा हूँ, थैंक यू भी वापस ले रहा हूँ, आप लोग मुझे सेंड करते हो ऐसे, मुझे आप और बताते रहो K-pop के बारे में, ताकि मैं एकदम ऐसा इतना मतलब परफेक्ट वाला ट्रू आर्मी बन जाऊँ ना, इतना परफेक्ट वाला कि मुझे स्टार्टिंग से लेके एंड तक का अभी तक का सब कुछ बातें पता हो जाए, तो मुझे आप इतना कुछ एक्सप्लेन कर दो, इतना कुछ बता दो इंस्टाग्राम के ऊपर आकर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, एंड इफ़ यू लाइक माई रिएक्शन एंड वीडियो तो आपको ऑफकोर्स पसंद है वो गाइस ही, एंड इफ़ यू लाइक माई रिएक्शन सो कर दो वीडियो को लाइक, चैनल पर नया चैनल कर दो सब्सक्राइब। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब के लिए बाय बाय, आई पर्पल यू, बाय सारंगे गाइस।